5 फरवरी को बसंत पंचमी है और इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है। आखिर माता सरस्वती जी की पूजा क्यों होती है, यह जिज्ञासा हमारे मन में थी और हर कोई यह जानना चाहता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती जी की पूजा क्यों होती है। इसी प्रश्न को लेकर, इसी जिज्ञासा को लेकर पंडित आचार्य रोहित कुमार जी के पास हम पहुंचे और जानना चाहा कि आखिरकार बसंत पंचमी पर माता सरस्वती जी की पूजा आराधना क्यों की जाती है। आचार्य जी से यह भी पूछा गया कि शुभ समय क्या रहेगा, किस समय पूजा करनी चाहिए। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनको जानकर यदि माता की पूजा अर्चना की जाए तो काफ़ी लाभान्वित व्यक्ति हो सकता है। इस पर क्या कहा आचार्य जी ने, आइए जानते हैं। बसंत पंचमी क्या है, ये क्यों मनाई जाती है? सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इतने अनेक व्रत और त्यौहार होते हैं जिनका कोई ना कोई महत्व होता है, और जिसमें एक जो विशेष महत्व है वो माता सरस्वती का जो जन्मदिन है, वो माता सरस्वती जी का जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती जी का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत ही छोटी सी एक कथा है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सब तरफ सुना था, कहीं भी स्वर नहीं थी, आवाज़ नहीं थी। तो वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब जल छिड़का तो एक देवी प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो उनके हाथ में वीणा थी, माला थी, पुस्तक थी, आशीर्वाद मुद्रा में एक हाथ थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वीणा बजाइए। जैसे ही माता सरस्वती जी ने वीणा बजाई, वैसे ही पक्षियों को स्वर मिला, मानव को स्वर मिला, नदियों में कलकलाहट हुई, पक्षियों में हुई, पेड़ों में हुई, तब से ये सब तरफ जो है वो स्वर आ गया। तो जब स्वर आ गया तो इसीलिए इनको स्वर की देवी जो है वो माता सरस्वती जी के नाम से इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं कि माता सरस्वती जी की साधना के लिए, जैसे हमारे दीपावली के दिन जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपनी भइयों का पूजन करते हैं, दशहरे पे जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन करते हैं, इसी प्रकार से जो कलाकार लोग हैं, जो कला से संबंधित लोग हैं, वो सारे बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की आराधना करते हैं। कोई भी मंच कला का ऐसा नहीं है जो माता सरस्वती जी की आराधना के बिना वो आरंभ हो सके। माता सरस्वती जी का जो मंत्र बहुत सरल मंत्र है, उनका मंत्र ओम ईं सा सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप जो है ये बसंत पंचमी के दिन अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। शिक्षा से संबंधित जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए कांसे के पात्र में शहद से ओम का निर्माण करके उसके ऊपर शीतल खीर वो देने के बाद, रखने के बाद, उन बच्चों को वो खीर का स्मरण करवाने के बाद माता सरस्वती की अपार कृपा उन बच्चों को मिलती है। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े कमजोर हैं तो बसंत पंचमी का व्रत उपास भी कर सकते हैं, और इस दिन जो है वो ओम जो शहद के द्वारा कांसे के बर्तन में लिखा जाता है उसकी खीर भी स्मरण करना अत्यधिक लाभदायक साबित होती है, बहुत ही लाभ मिलता है इसमें। और दूसरी बात, इस दिन जो शिक्षा आरंभ करने के लिए, जैसे गुरुकुलों के अंदर प्राचीन परंपरा थी कि गुरुकुलों के अंदर जो है वो शिक्षा को आरंभ करने के लिए जो लोग हैं वो अपने बच्चों को उस दिन भेजा करते थे। इस दिन बच्चों के जो बच्चे हैं जो नई शिक्षा आरंभ करना चाहते हैं, इस दिन उनको पहले ही प्रथम दिन जो बच्चे शिक्षा आरंभ कर रहे हैं उनका ओम का उच्चारण करके और उनको शिक्षा का जो शुभारंभ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त होता है, ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसको ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, बसंत पंचमी भी कहा जाता है। और ये जो इस साल 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार को इसका जो मुहूर्त है सुबह 3:47 से प्रारंभ होगा और अगले दिन 6 फरवरी रविवार को सुबह 3:46 पर समाप्त होगा। बसंत पंचमी की जो पूजा होती है वो हमेशा सूर्य उदय के बाद आरंभ होती है और सूर्य के अस्त होने से पहले ही उसकी पूजा जो है वो समाप्त हो जाती है। और इस दिन जो है विशेष रूप से बच्चों के लिए, जो हम जैसे जो बच्चे जिनको हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की सामग्री की आवश्यकता होती है, उन बच्चों को शिक्षा की सामग्री का हमारे को वो दान जो है वो अवश्य करना चाहिए, और जो बच्चे शिक्षा से संबंधित उनको चीजों की जरूरत होती है वो हमारे को जरूर देना चाहिए। बसंत पंचमी का जो पर्व है ये चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा जो होती है ये इसका संचार करने वाला होता है। और जो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, जो हमारी पूरे वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत पंचमी को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और इससे जो शिशिर ऋतु की विदाई होती है, बसंत पंचमी का आगमन होता है। बच्चे जो है पतंग बहुत जोर शोर से पतंगे उड़ाते हैं और इस दिन माता को जो है वो केसर युक्त चावल, पीले वस्त्र धारण करना, हल्दी की माला से माता का जो है सरस्वती माता की कृपा के लिए इन मंत्रों का जाप करना ये बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। इस जो बसंत पंचमी है इसको ऋषि पंचमी के नाम से भी जो है
वो माना जाता है। इस दिन कामदेव जी जो है वो अपनी पत्नी के साथ धरती पर विचरण करने आते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन जो है अगर उसमें कहीं प्रकार किसी प्रकार का सुख कम है तो उस दिन वो कामदेव और रति की पूजा अगर वो करते हैं, अगर उनका वो ध्यान करते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन पुनः सुख पूर्वक जो है वो स्थापित होता है। और दूसरी बात इसके अंदर एक और आती है, जैसे बसंत पंचमी की हम बात करते हैं, बसंत पंचमी के दिन जो बहुत सी सिद्धियां की जाती हैं, बहुत से लोग अपने मंत्र जो हैं उनको जागरण करते हैं। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि जैसे कि हम ये कहते हैं कि ये माता सरस्वती जी की पूजा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस पूजा को आरंभ किया जाता है। नीचे पीला आसन बिछा के माता सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद अपने घर के अंदर जो भी तुम्हारी पूजन सामग्री होती है, जैसे रोली है, केसर है, हल्दी है, चावल है, पीले फूल है, पीली मिठाई है, मिश्री दही है, हलवा है, और ये जो है ये सब माता शारदे को श्वेत चंदन का तिलक लगा के ये उनको भेंट करना चाहिए, ये उनको भोग लगाना चाहिए। और हल्दी की माला से ही इनका जो है ये पूजन पाठ जो वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे को इसके अंदर जो विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं वो बातें ये होती हैं, जैसे इस दिन किसी भी कर्मकांडी पंडित जी को पंचांग का दान करना, ये अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। अगर आप पंचांग का दान करते हो, और इस दिन जैसे अब हमारा गुड़ी पड़वा आने वाला है, हमारा जो सनातन धर्म का नव वर्ष जो है उसका आगमन भी होने वाला है, इस दिन पंचांग का आरंभ जो है पंचांग को तिलक लगा के इसका पूजन पाठ करके इसका आरंभ किया जा सकता है और पंचांग का दान भी किया जा सकता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए अनाथ आश्रम हो गया या कहीं गरीब बच्चे होते हैं उनमें खिलौने बांटने, उनके अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे खिलौने बांटने जो हैं वो बहुत ही अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। और जैसे माता सरस्वती जी की कृपा जो जिसके ऊपर हो जाती है वो बहुत ही व्यक्ति जो है बुद्धिमान हो जाता है, उसके बाद बहुत ही समझ आ जाती है। विद्याएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की विद्याओं की जो स्वामिनी है वो माता सरस्वती है। एक है विद्या पार विद्या, एक का नाम है, दूसरा है अपार विद्या। एक विद्या उदरपूर्ति के काम आती है, एक विद्या जो है वो अपने मानव जीवन को पूरा स्कार्थ करने के काम आती है। एक विद्या तो उदरपूर्ति करती है, दूसरी विद्या मानव क्या है, इस धरती पे क्यों आया है, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये विद्या जो अत्यधिक लाभदायक होती है। और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जब माता सरस्वती ने वीणा का वादन किया तो पूरे सब जगत में स्वर जो है वाणी मिली, और ये बहुत अत्यधिक जो पवित्र त्यौहार बसंत पंचमी का मनाया जाता है। इस दिन मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बच्चों में खिलौने वितरित करना और खीर का प्रसाद लगाना, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करना, छोटी कन्याओं को जरूरतमंद शिक्षा का सामान वितरित करना अत्यधिक लाभ प्रदान करता है।